है इसके बारे में बात करने के लिए, बट सोचा थोड़ा रिसर्च कर लूँ, जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है उन बंदों से बात करूँ। तो एक्चुअली टॉपिक है आज का स्टूडेंट्स पे एंड पर्सनल ट्रेनर्स पे जो जिम्स में हैं, जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं जिम में। एक्चुअली मैं वो वहाँ पे हैं बिजनेस करने के लिए। टू बी वेरी फ्रेंक, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग समवन, या कोई पर्सनल ट्रेनर मुझे देख रहा है यूट्यूब पे। पर्सनल ट्रेनर जिम में हैं, आपको बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, उनका खुद का बिजनेस है वहाँ पे, वो बिजनेस है आपको स्टीरॉइड्स की गाइडेंस देना, स्टीरॉइड पिल्स देना, इंजेक्ट्स देना, वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वाली हेडेक ख़त्म करने के लिए, उन्होंने खुद की हेडेक ख़त्म करने के लिए आपको वो पिल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको जल्दी रिजल्ट मिले, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिले, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए और आप दो तीन बंदे और लेके देते हो उनको, ठीक है। ऐसे ऐसे करके चेन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है स्टूडेंट वाला। ट्रेनर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, ना कि स्टूडेंट्स की गाइडेंस दें। होता क्या है, जब आप एक ट्रेनर के पास रीच करते हो, किसी पर्सनल ट्रेनर को, अच्छे जिम में जाते हो, वो दो तीन दिन आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, आपको एक्सरसाइज करवाएगा, एंड फोर्थ डे जब आप उसके पास जाते हो कि मुझे श्रेड होना है, मुझे लीन होना है, मुझे अच्छा दिखना है, एंड उस बंदे के पास सिर्फ एक ही बात होती है, वो होती है स्टीरॉइड्स। आपको स्टीरॉइड साइकिल करना पड़ेगा, उसके बिना कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ सुनने को मिलती है हर जिम में, आई गारंटी दैट। तो ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ी डिस्टर्बिंग है कि आजकल के यूथ जो इन ट्रेनर्स पे इतना भरोसा करते हैं, उनको अपना सब कुछ, पैसे, फेथ, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आप उनका ये इनका मिसयूज़ करते हैं। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है कि भाई एक तो बंदा आप पे भरोसा करके आपको पैसे दे रहा है, एंड आप उसका उसकी हेल्थ के साथ खेल रहे हो, आप उसको इंजेक्ट्स दे रहे हो, एंड ये मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉडी बिल्डिंग है क्या है। आप जिम में जाते हो, आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपको